आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, बिंदु 3, -1, 1 तथा समतल सदिश r डॉट 2i कैप ऋण 3j कैप धन k कैप बराबर 5 तथा सदिश r डॉट i कैप धन 5j कैप ऋण 2k कैप बराबर 1 की प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि ये दो समतल दिए हुए हैं। ये दोनों समतल कैसे हैं? प्रतिच्छेदी हैं। तो ये जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो वहाँ पर एक रेखा बन रही है। मानिए कि ये है हमारा पहला समतल और यहाँ पर से हमारा दूसरा समतल कुछ इस प्रकार से है। तो ये दोनों कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? ये यहाँ कहीं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, देखिए ऐसा, ठीक है। तो इन दोनों समतल के बीच की जो प्रतिच्छेदी रेखा है, उस रेखा के साथ और इस बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रतिच्छेदी रेखा का मान निकालते हैं। तो उसके लिए आते हैं समतल के समीकरण में, जो कि है क्या, सदिश r डॉट 2i कैप ऋण 3j कैप धन k कैप बराबर 5। इसका कार्तीय रूप क्या होगा? 2x ऋण 3y धन z बराबर 5। और जो दूसरा समीकरण है समतल का, वो है सदिश r डॉट i कैप धन 5j कैप ऋण 2k कैप बराबर 1, जिसका कार्तीय समीकरण होगा x धन 5y ऋण 2z बराबर 1। इसे हम देते हैं क्या समीकरण 1, ये हुआ दूसरा। अब हमें इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदी रेखा निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या सूत्र आएगा, L1 धन लैम्बडा गुणे L2। तो इससे हमारे पास ये प्रतिच्छेदी रेखा मिल जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2x ऋण 3y धन z धन लैम्बडा गुणे x धन 5y ऋण 2z बराबर 5 धन लैम्बडा। तो यहाँ पर से हमारे पास ये जो मान आया है, ये है इस प्रतिच्छेदी रेखा का मान। चलिए, अब ये क्या कहा गया है कि ये इस बिंदु से भी गुजरता है, तब हमारे पास में क्या आएगा। हम क्या करते हैं, इस बिंदु के मान को इस रेखा पर रख देते हैं, क्योंकि यही वो रेखा है और ये बिंदु इस रेखा को संतुष्ट करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या मान आ जाएगा, P3, -1, 1 को समीकरण 3 पर रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 ऋण 3 × ऋण 1 धन 1 धन लैम्बडा गुणे 3 × 5 × ऋण 1 ऋण 2 × 1 बराबर 5 धन लैम्बडा। यहाँ पर से हमारे पास लैम्बडा का मान आएगा, तो लैम्बडा का मान कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 5 बराबर लैम्बडा गुणे 1 × 4, मतलब लैम्बडा का मान आएगा कितना, 1। इस लैम्बडा के 1, लैम्बडा बराबर 1 के मान को हम समीकरण 3 पे रखेंगे, तब हमारे पास क्या मान आ जाएगा, 2x ऋण 3y धन z धन x धन 5y ऋण 2z बराबर 5 धन 1। तो यहाँ पर से मेरे पास क्या मान आ जाएगा, 3x धन 2y ऋण z बराबर 6। ये है उस समतल का कार्तीय समीकरण जो प्रतिच्छेदी रेखा और इस बिंदु से होकर जाता है। इसका सदिश समीकरण क्या हो जाएगा, सदिश r डॉट 3i कैप धन 2j कैप ऋण 2k कैप बराबर 6। तो हमें जो प्रश्न दिया गया था उसमें जो मान पूछा गया था वो है ये। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर दोनों समझ में आया है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।